हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल संजनन की दुनिया में। और मैं बताई थी कि मैं मक्खन से घी कैसे निकालूंगी, तो ये रहा है मेरा मक्खन। और मक्खन से मैं बहुत ही इजीली तरीके से आप सबको घी बना करके दिखाऊंगी। रहा कढ़ाई, ये कढ़ाई मैंने ले लिया है और इस कढ़ाई में निकालूंगी मैं मक्खन से घी। अभी मैं बता, ये है कढ़ाई। कढ़ाई मैंने गैस पर डाल रखा है और ऑन कर रखी हूँ फ्लेम। और इस कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ मक्खन। देख लीजिए, इसमें सारा मक्खन मैं कढ़ाई में डाल रखी हूँ और इसको हमें लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो ये बैठ करके जल जाएगा। और इसको ऐसे ऐसे हमें हिलाना है। मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाई थी मलाई से मक्खन कैसे निकालते। अगर वो वीडियो आप सबने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल पर जा करके सर्च करके देख सकते हो। और मेरे चैनल का नाम है संजल अनिल। और फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है। जैसे ऊपर आएगा तो हम मीडियम कर देंगे और जैसे नीचे आ जाएगा तो मैं हाई कर दूंगी। इस तरीके से हमें हमेशा हिलाते रहना है, चलाते रहना है और फिर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक वेट करना है। जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए जब तक हमें ऐसे चलाते रहना है। देखिए इस तरीके से अभी दिख रहा है, इसको बीच में हमेशा लगातार इसे चलाते रहना है। अगर नहीं चलाऊँगी तो ये जल जाएगा। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है और गैस का फ्लेम मैं अब बंद कर देती हूँ। अगर इससे ज़्यादा देर गैस पर रखूँगी तो ये घी जल जाएगा। देखिए आपके करछी में दिखता होगा गोल्डन ब्राउन हल्का हल्का, ऐसे अगर करछी में दिख जाए तो आप ऐसे बंद कर देना फ्लेम को। और देखिए कितना सारा मैंने घी निकाला है। और इसको अच्छे से कॉटन के कपड़े ले लूँगी और फ्रेश कोई डब्बा होगा उसमें मैं पैक करके डाल दूँगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हमें छानना है। घी निकालना भी बहुत ही इजी होता है। हम लोग सोच लेते हैं कि मुश्किल होगा, कुछ मुश्किल वगैरह नहीं होता है, बहुत ही इजी होता है। देखा आपने कितना जल्दी मैंने मक्खन से घी निकाल करके आप सबको दिखा लिया। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर।